लॉन्ग टर्म शेयर्स में, और अगर आप नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब का यहाँ पे लाल बटन है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमेशा सूचना मिल जाया करें नई वीडियो की। लार्सन एंड टुब्रो की एक ग्रुप की कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो की L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग्स। तो आज इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक चीज़ पहले मैं बता दूं कि ये कंपनी करती क्या है और उसकी वेबसाइट पे हम हैं। फाइनेंशियल रिलेटेड आप समझ गए होंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसमें से लोन वगैरह देती है, टू व्हीलर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, अच्छा म्यूचुअल फंड्स या वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब का भी, वो जो असेट मैनेजमेंट कंपनियां करती हैं वो सारा भी कारभार ये देखती है। फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस, जो किसानों के ट्रैक्टर्स और जो भी कृषि से संबंधित उनके संयंत्र होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको भी ये फाइनेंस करती है, हार्वेस्ट वगैरह के। और वेल्थ मैनेजमेंट माइक्रो लोन्स में आते हैं, जैसे कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं, माइक्रो लोन्स भी ये प्रोवाइड करती है रूरल एरियाज़ में, छोटे छोटे शहरों में, रूरल एरियाज़ में, रियल इस्टेट में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, इंफ्रा फाइनेंस में भी है, कॉरपोरेट फाइनेंस में भी है। तो इस प्रकार के ये फाइनेंस से ज़बरदस्त कंपनी है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित L&T के ग्रुप की कंपनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी बेहतरीन है, जिसमें किसी प्रकार का अभी तक कोई दाग या धब्बा नहीं है। बहुत ही सुलझी हुई एक ऐसे ग्रुप की कंपनी जिनके मैनेजमेंट को लेकर अवॉर्डेड गवर्नमेंट की तरफ से किया जा चुका है। तो अब हम बात करते हैं, अवॉर्ड तो ठीक है लेकिन क्या हम अगर इस कंपनी में पैसा डालते हैं तो क्या हमें रिटर्न मिलेगा? तो वो हमें इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे या इसके बिज़नेस पे वो देखने पे पता चलेगा। तो हम बढ़ते हैं पहले स्टॉक प्राइस की तरफ। जुलाई 19, 2019 और BSE पे जो इसका लास्ट प्राइस क्लोजिंग था ₹110, आज तो मार्केट बंद है, आज शनिवार है, आज जो 20 जुलाई है, ₹110 और ₹6.70 गिरावट हुई थी इसमें। कल सेंसेक्स के सभी, मुझे लगता है कि निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट थी, और जो इसका साल का लो था ₹106, हाई था ₹189, यानी करीब करीब ₹190 मान के चलिए। तो बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आ चुकी है फ़िलहाल एक साल के अंदर। और इसकी जो पीयर कंपनीज़ हैं, जैसे कि हो गई AB कैपिटल, NBFC की जितनी भी कंपनियां हैं, तो उनके मुकाबले हम इसके कुछ फंडामेंटल देखें, क्या ये अट्रैक्टिव लेवल पे है या बाइंग की जा सकती है हमें लंबे समय के लिए, वो भी हम चेक करेंगे। अगर हम 52 वीक लो देख ही चुके हैं, इसका जो मार्केट कैप है 22,094 करोड़ का, एक लार्ज कैप कंपनी है, और टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ था 1 करोड़ समथिंग, यानी कि भयानक इसमें ट्रेडिंग चल रही है। फेस वैल्यू 10 की है और इसकी लिस्टिंग हुई थी 12 अगस्त 2011 को, यानी 8 साल से ऊपर हो चुके हैं लिस्ट हुए इस कंपनी को। पी रेशियो 9.90 का है, अर्निंग पर शेयर 11.16 का, प्राइस टू बुक है 1.64 की, डिलीवरी इसकी 24% के आसपास यानी 25%, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। लेकिन अगर हम रिटर्न वाइज देखते हैं, जो हमें एक साल में रिटर्न इसमें इस कंपनी ने दिए हैं वो 27% के नेगेटिव में दिए हैं। मतलब अगर आपका 1,00,000 रुपया था तो यहाँ पे 73,000 ही बचा है। 6 मंथ में भी 21% के आसपास के नेगेटिव में रिटर्न है। और अगर हम और आगे रिटर्न वाइज देख लेते हैं कि पिछले 2 साल 3 साल, तो यहाँ पे हम रिटर्न कैलकुलेटर में हैं HDFC की साइट पे। अगर हम, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ 1,00,000 रुपये का L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड पे लंबसम, और 1 साल का तो हमने बता ही दिया, अगर हम 36 महीने यानी 3 साल पे हमें 46% के आसपास का रिटर्न है, और अगर हम 5 सालों का देखते हैं तो यहाँ पे 49, यानी कि आपका पैसा 1.5 लाख हो चुका है 1,00,000, तो रिटर्न काफ़ी कम है। और नो डाउट पिछले 2 साल से जो NBFC कंपनियां हैं उन पे भयानक गिरावट है, कुछ कंपनियां तो बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी हैं, जैसे कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस, वो 700 से कहाँ वो अभी 50-60 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रही है, मैं एग्जैक्ट प्राइस अभी नहीं कह पा रहा, लेकिन जिस प्रकार से उसकी हालत हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी NBFC कंपनियों पे प्रेशर पड़ा है। लेकिन इसके फंडामेंटल्स अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, मार्च 19 से जून 19 में Q1 के, तो यहाँ पे जो नेट सेल्स थी वो मार्च 19 में जो 3,304 करोड़ की थी, वो जून 19 में हो गई 3,594 करोड़ की, यानी 8.79
परसेंट की अपसाइड है, जो कि एक बेहतरीन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ 2.80% की अपसाइड है, इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे जहाँ मार्च 19 में 547 करोड़ के आसपास थी, वहीं जून 19 में हो गई 548 करोड़, यानी कि 0.22% की अपसाइड है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम ओपीएम देखते हैं मार्जिन, तो यहाँ पे 4.19% की डाउन साइड है। और यदि हम ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड नेट देखते हैं रिजल्ट्स, तो जून 18 से जून 19 में नेट सेल्स बढ़ के हो गई 15.73% की अपसाइड है, एक शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ भी 18.17% की अपसाइड पे है, इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखिए 1.93% की अपसाइड है, और मार्जिन में भी यहाँ पे 1.49% की अपसाइड है। तो ईयर ऑन ईयर इसमें ज़बरदस्त इनके रिजल्ट्स हैं, और क्वार्टरली भी मार्जिन को छोड़ के थोड़ा सा बाकी बेहतरीन है। तो इस प्राइस पे, इस लेवल पे जो हमारे मित्र, जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है, तो मैं अपना ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या जो एग्जिस्टिंग है वो होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, तो हम बताएंगे। प्रमोटर्स के पास है 63.89% के होल्डिंग है, और कोई भी शेयर गिरवी नहीं। म्यूचुअल फंड्स भी इसमें 18 स्कीम्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें 109 हैं, और इंडिविजुअल हैं हम जैसे खुदरा ग्राहक 11.58%। तो अब रिटर्न भी देख चुके हम, अब जो समझने वाली बात है कि इस कंपनी में हम क्या करें। मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ये कंपनी है अभी ये अट्रैक्टिव लेवल पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी गिर चुका है, रिजल्ट्स भी इसके उतने बुरे नहीं थे, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% से ऊपर की ही है जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के आने के बाद। तो अभी फ़िलहाल अगर जो लोग चाहें तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में थोड़ी सी और गिरावट इसमें आए, लेकिन फंडामेंटली मैनेजमेंट वाइज और मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। लेकिन अभी अगर आप चाहें थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि NBFC के किसी स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, तो मैंने पहले जो वीडियो बनाए थे, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, मन्नापुरम फाइनेंस हो गया, अब तो काफ़ी भाग चुके हैं, लेकिन जो हमें बेहतरीन कंपनी, एक बेहतरीन ग्रुप की कंपनी अगर हमें काफ़ी नीचे के लेवल मिल रही है, तो हमें थोड़ा सा उठाना चाहिए। अगर और टूटती है तो थोड़ा उस समय भी लेने की सोचनी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें लिया जा सकता है, और ऊपर के लेवल पे कब ये आपको चाहिए तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जब भी 150 या 250 के भाव पे आए, और नहीं तो लंबे समय के लिए अगर आप बने हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी अच्छी है और कंपनी आने वाले समय में भी अर्निंग करेगी। हाँ, थोड़ी सी शंका ये रहती है कि जैसे कि बहुत सारी कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हों, चाहे मन्नापुरम हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, होता क्या है कि इनका ज़्यादातर जो व्यवसाय है वो रूरल एरियाज़ में। अच्छा, रूरल के जो गांव या छोटे शहरों में लोग होते हैं, लोन लेने में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, वो कर्ज़ा नाम से ही डरते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो किसी चीज़ के लिए लोन लेते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि वो लोन थोड़ा लें, जितना ज़्यादा उनके पास कैश हो उसको वो डालें। तो इस तरीके से ये कंपनी वहाँ भी काम करती है, और हाउसिंग में। तो जो लोग चाहें तो इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा ना लगाएं, इसमें थोड़ी सी बाइक की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।